खटिया पर बैठे बोलते बतियाते लोग, गाय बछड़े और बाटी चोखा। गांव का चौपाल पहुंचा शहर में। जी हां, मुंबई के चेंबूर स्टेशन के पास बीजेपी नेता बबलू सिंह और अन्य पदाधिकारियों की ओर से आयोजित चौपाल में यही देखने को मिला, जहां खटिया पर बैठकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय उपाध्याय, नगर सेविका आशा मराठे, तालुका अध्यक्ष राहुल वालंज और सभी लोग बाटी चोखा खाते नजर आए और एक दूसरे से बोलते बतियाते नजर आए। चौपाल म्हणजे एकत्रित बसून एकमेकांच्या मनात काय आहे ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न। तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आपण वस्तीमध्ये जाऊन लोकांशी संवाद साधतोय, त्यांच्या मनात काय आहे ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। सार्वजनिक जीवनात काम करताना आमची कुठे चूक झाली असेल तर ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। आज चेंबूरमध्ये जो चौपाल झाला, इतका सुंदर आयोजन संपूर्ण मुंबईत कुठेही झाला नाही, म्हणून मी आजच्या सर्व आयोजकांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। चेंबूर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुलजी वाळणसाहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार हा आज एक चौपालचा कार्यक्रम आम्ही चेंबूरमध्ये 152 वॉर्डच्या निमित्ताने घेतलेला आहे आणि याच्या आज ह्या कार्यक्रमाला मुंबई प्रदेशचे महामंत्री संजय उपाध्याय साहेब चौपालच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि आवर्जून त्यांनी सर्वांना चांगल्या प्रकारे माहिती दिली चौपाल म्हणजे काय असतं मग सर्वांना। आणि सर्व उत्तर भारतीयचे सर्व कार्यकर्ते आणि सर्व लोकांबरोबर आम्ही सांगितल्याच्यानुसार सर्व लोकसुद्धा जनतासुद्धा आज ह्याच्यामध्ये उतरली होती चौपाल कार्यक्रमामध्ये। तर मी सर्वांचे खूप खूप आभारी आहे आणि आमचे वॉर्ड अध्यक्ष अनिकेत चव्हाण आणि आमच्या बबलू प्रताप सिंग आणि खूप आमच्या 152 वॉर्डचे सर्व कार्यकर्त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे इथे अरेंजमेंट केलेली आहे। उत्तर भारतीय मोर्चा चेंबूर की तरफ से वार्ड 152 इनकी तरफ से आज यहाँ पर चौपाल का कार्यक्रम लगा हुआ है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे चौपाल का मतलब क्या होता है। वैसे तो जो है मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन मेरा जन्म मुंबई में हुआ और खेती बाड़ी है, वहाँ पर आना जाना रहता है। तो जैसे अपने महाराष्ट्र में जो है गांव में जो है चावड़ी होता है, चावड़ी बरबर, तो चावड़ी में जो है गांव के लोग जो इकट्ठा होते हैं और गांव के लोग इकट्ठा होके जो है आपस में गांव की समस्या और इसके बारे में कुछ चर्चाएं करती है, गांव की समस्या के बारे में चर्चा होती है। ऐसे ही हमारे गांव का जो चौपाल होता है, चौपाल वो चौपाल के माध्यम से गांव में जो है जो भी कुछ समस्या होती है गांव के, जिस अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सरपंच नहीं होता है, हमारे यहाँ सरपंच होते थे लेकिन वो अलग ढंग से होते हैं, लेकिन गांव का जो मुख्य हमारे यहाँ होते हैं वो प्रधान होते, प्रधान जो गाँव में जो है गाँव का जो प्रधान होता है जिसको सरपंच यहाँ महाराष्ट्र में बोला जाता है, वो प्रधान जो है सुबह सुबह कुर्सी लगाता है और सामने जैसे यहाँ पर खटिया लगाई है ऐसे खटिया लगाकर जो है लोग गांव के लोग बस बैठते हैं और वो गांव के लोग जो है पूरी अपनी समस्या वो प्रधान के सामने बोला जा बोलते हैं और प्रधान जो है वो तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक मतलब फॉलोअप करके उस समस्या को निराकार करता है, ऐसे को मतलब चौपाल कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे गांव का प्रधान होता है, गांव का सरपंच होता है, वो गांव के लोग सुबह जब बैठते हैं चाय पानी होती है प्रधान के सामने या सरपंच के सामने, तो वो जो है अपनी अपनी समस्या को सामने रखता है और प्रधान जो है वो तहसील में जाकर लोगों की जो है समस्या के बारे में जो है मतलब फॉलोअप करता है और फॉलोअप करके जो है लोगों का समस्या मतलब हल करने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करता है। और ऐसा जो है कार्यक्रम जो है हमारे मोदी जी ने डायरेक्ट मतलब जो है गांव तक पहुंचा दिया है। अब जो है जैसे लोगों को बहुत चक्कर मारना पड़ता, जिलाधिकारी पास जाना पड़ता था, तहसील में जाना पड़ता था, SDM के पास जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने मतलब ऐसे डायरेक्ट कर दिया है कि अगर किसी को मतलब बेघर को जो है अगर घर बनाना है तो डायरेक्ट
वो घर बनाने के लिए जो है उनको जो है मतलब उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है और वो पैसा जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है और उनका घर बनता है और उसका मदद जो है वो प्रधान जी करते हैं। प्रधान जी जो है वो फॉलोअप करते हैं तहसील में और यहाँ कि भाई इनका घर जो है मिट्टी का है घास फूस का है और इस माध्यम से जो चौपाल का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये रखता है और उसके माध्यम से आज मुंबई के अंदर जो है जो उत्तर भारतीयों की जो समस्या है वो उत्तर भारतीय की समस्या जो है उस चौपाल के माध्यम से मतलब यहाँ पर ऐसे व्यक्त किया जाता है और उत्तर भारतीय और अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं जो विधायक हैं मंत्री सेवक हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संध्या श्रीवास्तव ग्लोबल चक्र न्यूज़ मुंबई।